हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्रूग्स पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी का शांति गैस पेपर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और PDF के लिए बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग शायद ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट अगर आप टेलीग्राम चैनल गौरव क्रूग्स PSEB 10,000 सब्सक्राइबर्स पे ऑलरेडी हैं, 10,800 के आसपास, उसको अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और ग्रुप चैनल को अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे मैथ्स का और बायोलॉजी सारे PDFs जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो बच्चे वहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो लोग एक बार अच्छे से जाकर ढूंढें। और अगर आपको वीडियो यूट्यूब पे देखनी है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो का मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड। तो मतलब जो मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूज़न होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको आपको फिल करना है। फिर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज, ऑप्शंस आपके सामने हैं, होपफुली क्लोन्स होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज रिलेटेड टू गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। होपफुली फर्टिलाइजेशन इसका आंसर है। बर्ड्स आर डैश, तो बर्ड्स वीविपैरस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। बुलबिल्स आर एम्प्लॉयड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डैश। अ स्कियन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ डैश। सेवन क्वेश्चन है, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर डैश। एट्थ क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन डैश। नाइन्थ, जिंजर इज मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली बाई मीन्स ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ह्यूमन फीमेल्स में होता है, इसका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन। ये गलत है। बी है, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वाइस वर्सा। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो ये सही है, हाँ, जहाँ से हम बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट टाइम लाइफ स्पैन, तो टॉर्टॉइज होगा बी वाला, जिसकी लाइफ लगभग 300 ईयर्स के आसपास होती है। फिर 12th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस विच अरेंजेस द गिवन ऑर्गेनिजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन, यानी कितना वो जीते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। फिर 13th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज ड्यूप्लीकेटेड। 14th क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व दैट सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गे एंड फंगी नॉर्मली रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली, बट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश। इसमें भी आपको आंसर फिल करना है। जितना हो सके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपके पास आंसर्स उसके याद रहें, ज़्यादा पेपर इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। होपफुली लगभग 80% आपका सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव है और साथ में जो मेन क्वेश्चन हैं। द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी इज रिफर्ड टू एज जुवेनाइल फेज। 16th क्वेश्चन, क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सिनेसेंट फेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन डैश। 17th क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड डैश। ब्रीडर्स एग्जाम्पल एंड दोज हु शो रिकरिंग एक्टिविटी आर कॉल्ड डैश, यानी कि जो हर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं उनको कंटिन्यूस बोल सकते हैं, और जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना डिफर्स फ्रॉम बैम्बू इन डैश। 19th क्वेश्चन, सिनेसेंट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन कैन बी रिकोगनाइज बाई सेसेशन ऑफ रिप्रोडक्शन होपफुली। 20th क्वेश्चन है, मियोसिस डज नॉट ऑकर इन, इसका भी आप आंसर फिल कर लेंगे। फिर 21st क्वेश्चन है, जितना हो सके आपसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल गौरव क्रूक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहाँ पे PDF अपलोड किए जा रहे हैं, बुलेट पेपर्स और सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं एक बार। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उनकी भी पूरी हेल्प हो पाए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी स्टार्ट से लेके एंड तक विद सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे 30th क्वेश्चन देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गेमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। फिर है 31st क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल, इट इज़ एडवांटेजियस बिकॉज इट डैश। आप आंसर फिल करिएगा।
क्योंकि आंसर फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊँगा। एज आई एम स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा हूँ। फिर जायगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड आफ्टर सिनगैमी अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स विच डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। द ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव लाइफ साइकिल डैश। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विविपैरस एनिमल्स ओनली। 34th क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन डैश। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्रेन्स ऑफ वीट। सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं आप, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूरा बन जाएगा अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो। रोल ऑफ सस्पेंसर इज डैश। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड। बनाना आर सीडलेस बिकॉज दे डैश। 45 है, स्टिग्माज आर लार्ज एंड स्टिकी इन। 46 है, वेन गाइनोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन द एंथर्स द कंडीशंस इज डैश। अगर आपको पंजाबी मीडियम में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और PDF ढूंढ सकते हो एक बार जाके टेलीग्राम पे, जितने वहाँ पे अवेलेबल हैं उनको पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद आपको सारे पेपर्स और भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हाइलम ऑफ सीड इज अ स्कार लेफ्ट बाई डैश। ये जो आप गेस्ट पेपर देख रहे हो ये 2021 का है, पर क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम है, टर्म वाला सिस्टम उस समय पे था 2022 में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिलेबस में कुछ खास ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, तो आपको पेपर पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है पर पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर फाइंड आउट द ऑड वन टेस्ट ऑफ अ सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेल गेमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव। द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोजेनेसिस ऐसा कुछ होगा। फ्रूट है तो पार्थेनोकार्पी ही होगा, आप इसको टिक करिएगा। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर इज। फिर पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स बॉर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज रिफर्स टू। पॉलिनेशन ऑफ बाय वाटर टेक्स प्लेस इन हाइड्रिला। स्टिग्मा एक्ट्स एज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए टू एफ इन द फॉलोइंग फिगर्स। निसेलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ डैश। जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स डैश। 75th क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिली फॉर्म एपैरेटस इज टू। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगामी इज। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके पास अगर सॉल्यूशन हो तो आप खुद से कर सकते हैं, पर अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैं एक नई वीडियो सेपरेट बना के YouTube पे भी और Telegram पे भी PDF के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, और फिर इस वीडियो में 100 लाइक्स का एम रख रहे हैं, जिसके बाद हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। 87th क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल इज डैश। फ्रॉम बर्थ टू मेनार्के ओवेरियन वेट इंक्रीजेस स्टेडली ड्यू टू। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं वो लोकेटेड कहाँ होते हैं, और मतलब ये सब कुछ भी आप भी पढ़ लेंगे अगर आप रिप्रोडक्टिव वाला जो चैप्टर्स हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं उसमें, उसके बाहर से नहीं है। व्हेन ओविडक्ट इन फीमेल इज रिमूव्ड आउट इट इज़ कॉल्ड। जो फीमेल का होता है उसको हम ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, और मेल पे जो होता है उसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं, तो यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी आंसर होगा। फिर 93rd क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ड्यूरिंग ओजेनेसिस ऑकर्स। 96th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट बीट begins at the end of dash। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के मिलते रहें और आप ट्यून्ड रहें। स्पर्मियोजेनेसिस रिफर्स टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजेनेसिस इज फॉल्स। withdrawal of which of the following hormones is the immediate cause of menstruation। आपको पढ़ने के लिए अभी इन क्वेश्चन को डायरेक्टली वीडियो चला के पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर टिक कर सकते हैं, पर अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे आपके जो भी पेपर्स होंगे उन सारे के भी पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे गौरव क्रूक्स यूट्यूब पे। Which of the following is non-medicated intrauterine device?
तो आपको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स था, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ गए हैं। वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी, प्रोजेस्टेरोन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउिंग, एमनियोसिंथेसिस इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। इसमें मैंने मेरे हिसाब से ये डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी इन एम्ब्रियो होगा। फिर उसके बाद ऑन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्स दस द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्सिनेंस इज बेस्ड, ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर 1 to 2 days, स्पर्म्स अराइव फॉर अबाउट, मतलब ये इसमें ऑल ऑफ दिस पे क्लिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फैमिली प्लानिंग वॉज इनिशिएटेड इन, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्लान जो था वो कब इनिशिएट किया गया था वो आप लिखना है यहाँ पे। ज़िफ्ट मेथड का करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। सी यू आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस डैश, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विच आईडी इज शोन इन द फिगर, ये कॉपर ट्री है। द पॉलीजेनिक शो इन पी प्लांट्स राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड स्पीड सीड, सॉरी अ प्लांट हेटरोजाइगस फॉर राउंड सीड्स वॉज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विथ रिंकल सीड। तो यहाँ पे आपको जीन्स के बारे में पढ़ाया गया, जेनेटिक्स चैप्टर आपका यहाँ पे कवर किया गया। द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाई मंडल, जॉन ग्रेगोर मंडल। अ गैमेट जनरली कंटेन्स मैनी एलील्स ऑफ अ जीन होपफुली, बट अभी याद नहीं है क्योंकि तो 2 साल पुरानी बात हो गई। अगर आप चाहेंगे तो सॉल्यूशन में करा सकता हूँ इसका। गेमेट्स आर नेवर हाइब्रिड्स, दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये मेंडल्स के लॉ हैं, चारों इनमें से कोई एक होगा। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेंडलिज्म बट फॉर नॉट फॉर डार्विनिज्म, एवोल्यूशन की थ्योरी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है। कुछ भी और मटेरियल अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या आपको चाहिए, क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बुलेट पेपर्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर अप हो जा रहे हैं। फिर आपको जो 2023 का शांति केस पेपर है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही मेरे पास आता है। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो थोड़ा सा हम टाइम लेके अपलोड कर देंगे उसको भी, बाकी कंटेंट लगातार अपलोड हो रहा है यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जगह पे। इन द जेनेटिक कोडॉन्स डिक्शनरी देयर आर 64 कोडॉन्स, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ डैश, यहाँ पे लगभग आपको 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करें तो आपको 25 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं वो तो छूटेंगे नहीं, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर लिंक ओपन ना हो तो गौरव क्रूक्स PSC भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम गौरव -KUU लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी बायो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ पे मैं रेगुलर मैसेजेस पढ़ता हूँ। अगर आप मुझे कुछ भी एड्रेस कर रहे हो तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा। विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लामार्किज्म, लामार्क भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी। विच इज़ द करेक्ट मैच में आपको फिल करना है,
जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन रिफर्स टू डैश बायो में। अगर आपका थ्योरी क्लियर है, आपके मतलब जो थॉट्स हैं, जो आपको पता है उस चैप्टर के बारे में, अगर आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी पता है क्या हुआ था स्टोरी की तरफ, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके शॉर्ट आंसर का भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर लॉन्ग आंसर है तो उसको भी आप लिख पाएंगे। बट अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप रट के जाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी रटने वाला ही सब्जेक्ट है। बट अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपको रटने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज़ द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस मैन, ये इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। द चेंज ऑफ लाइटर कलर्ड वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ बिस्टन मिटलेरिया टू इट्स डार्कर वेराइटी इज ड्यू टू डैश डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन वॉज द, ये आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर है। अभी हम इवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में, हम लगभग वीडियो के एंड तक पहुंचने वाले हैं। अब टोटल 250 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। अगर इन 250 क्वेश्चंस में से आपका 25 मार्क्स बन रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग 250 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, और ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है तो आप वहाँ से थ्योरी भी कवर कर सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी बना सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। वैक्सीन्स आर डैश मेमोरी सेल आर स्टोर्ड इन डैश विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ये आपका आ गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अब हमारा ये पेपर जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, एक नए मटेरियल के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Thank you.